शाक्य मुनि अति शुभ समाचार है। सुदत्त मन के बहुत पक्के हैं, जो उन्होंने ठान लिया वो अवश्य किया होगा। सुदत्त बड़े लजीले हैं, वे स्वयं कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं पूरी घटनाक्रम बताऊंगा। हम दोनों को श्रावस्ती का जैत वन विहार के लिए अति शुभ लगा, किंतु कौशल नरेश प्रसन्नजीत, जिन्होंने ये वन अपने पुत्र जैत को भेंट किया था, वो इसे बेचने के विरुद्ध थे। प्रसन्नजीत ने अपने मन में आपसे पुराना वैमनस्य पाल रखा है। जैसे ही सुदत्त ने प्रसन्नजीत को जैत वन बेचने का प्रस्ताव रखा, वे एकदम क्रोधित हो गए। होश में तो हो सुदत्त, पता भी है क्या मांग रहे? जेठ वन महाराज, अपने गुरु बुद्ध के विहार के लिए मुझे ये स्थान उचित लगा। हम अपना जैत वन सिद्धार्थ को नहीं देंगे, बड़ा प्रतिशोध है हमारे मन में उसके लिए। अब क्षमा करें महाराज, अब वो सिद्धार्थ कहां रहे? साम्यक संबोधि प्राप्त बुद्ध बन गए, दुखी मानवता को शांति और प्रेम के पथ पर ले जा रहे। भूखे नंगों को अपना अनुयायी बनाना कौन सा कठिन काम है? महाराज, स्वयं महाराज बिंबिसार उनके अनुयायी बने, ब्राह्मणों के सर्वश्रेष्ठ उर्वीला कश्यप और उनके सारे अनुयायी बुद्ध के शरण में आए और भिक्षु बन गए। बुद्ध एक परम विभूति है, यदि ये निधि श्रावस्ती आएगी तो अनगिनत मनुष्यों का कल्याण होगा महाराज। तो चलो, मानवता के कल्याण हेतु मैं तुम्हें ये वन दे दूंगा, परंतु तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। जो आप कहें महाराज, मुझे स्वीकार है। जैतवन की जितनी भूमि को तुम स्वर्ण मुद्रा से ढाक सको उतनी भूमि तुम्हारी हो, परंतु याद रहे, एक सुई की नोक भर धरती भी मुद्रा से ढक जानी चाहिए। मैं पूर्ण चेष्टा करूंगा महाराज। मैं अचंभित था, लेकिन सुदत्त की भक्ति में जो शक्ति है उसका अनुमान प्रसन्नजीत नहीं लगा पाए। सुदत्त अपनी प्रशंसा सुनने में बड़े संकोची हैं। इन्होंने अपने कोष की सारी मुद्राएं बैल गाड़ियों में लदवाकर जैत वन की धरती के हर कोने को पूरी तरह से ढांक दिया, और जब सब धन व्यय हो गया तो सुदत्त की जो बची संपत्ति थी उसे बेचकर और स्वर्ण मुद्राएं खरीदी और उससे हर एक कोने को ढांक दिया। हमें विश्वास था कि तुम हमारी कठिन शर्त पूरी नहीं कर सको। मुझ में इतना सामर्थ्य भी कहां था महाराज? ये तो बुद्ध की कृपा है कि मैं अपने दिए वचन को पूर्ण कर सका। सिद्धार्थ से तुम इतने प्रभावित हुए सिद्धार्थ, कि जीवन की पूंजी अपनी सारी कमाई दांव पे लगा दी। सिद्धार्थ नहीं रहे वो, हम असंख्य सोए हुए मनुष्यों में केवल एक ही है जो जाग गया है, बुद्ध बन गया है। बुद्ध के जहां जहां चरण पड़ेंगे वो धरती पावन हो जाएगी, तीर्थ बन जाएगी। यदि आपने मुझसे मेरे प्राण भी मांग लिए होते तो वो भी मैं भेंट कर देता। फिर ये धन तो बहुत तुच्छ है महाराज। व्यक्ति के नाम के अनुसार उसके गुण उसके आचरण बहुत कम मेल खाते हैं, परंतु जैसे तुम हो उतना ही शुभ तुम्हारा नाम भी है, अनाथ पिंडिका। अनाथ जो दीन है, जो क्षीण है, उनके लिए तुम्हारी पिंडिका सर्वदा खुली रहेगी।
युग बीतेंगे, परंतु तुम्हारे नाम का यश कभी नहीं मिटेगा। प्रेम से दिया हुआ रूखा सूखा भी रुचिकर हो जाता है। तुमने तो अपना तन मन धन सब कुछ लुटा दिया। आभार तुम्हारी इस मैत्री का। आप जेतवन पधारेंगे ना बुद्ध? अवश्य, मैं जेतवन अवश्य पधारूंगा। अभी आप अपने आश्रम में जा विश्राम कीजिए, हमें भिक्षाटन के लिए जाना है। सुना था तुम परम ज्ञानी हो बुद्ध, जान के आश्चर्य हुआ कि कांटा तुम्हें भी चुभता है। अब तो गली गली ये बात ना उठेगी कि तुम तो कोई पहुंचे हुए महात्मा हो। ये कांटे हमने बिछाए हैं, इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं। हर दिन अनाज भिक्षा में मांग कर ले जाते हैं। चलो चलो दूसरे गांव का रास्ता लो। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मुझे अपने गांव में भिक्षाटन करने दें। ठीक है, भिक्षा चाहिए तो दे अपने रक्त की आहुति। रास्ता बुहारा तो इस गांव से तेरा दाना पानी उड़ जाएगा। आप गांव में प्रवेश कीजिए। इन मुट्ठी भर लोगों से कई अधिक लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। मुझे ना छू, नहीं तो मेरी छाया भी पड़ी आप दूषित हो जाएंगे। क्यों दूषित हो जाऊंगा मैं? तुम भी हम सभी की तरह मनुष्य ही हो, और एक मनुष्य का स्पर्श दूसरे मनुष्य को कैसे दूषित कर सकता है? केवल लालच घृणा मोह तृष्णा हम ही मनुष्य को दूषित करते हैं। और तुम जैसा मनुष्य जिसमें इतना प्यार भरा हो वो केवल दूसरों को सुख ही दे सकता है, दुख नहीं। कैसे महात्मा हो तुम? तुम्हें तो जाति वर्ण का ज्ञान भी नहीं है। चोला पहने कोई सन्यासी नहीं होता। अरे पाखंडी हो तुम, पाखंडी। जो मानव से उसकी मानवता को छीनता है पाखंडी वो होता है। यदि मुझे पाखंडी कहे आप सभी को संतोष मिलता है तो ये उचित है, परंतु इस मनुष्य में भी हमारी तरह प्राण बसें, इसे नीचा कह इसका तिरस्कार करना सबसे बड़ा पाखंड है। यदि जानते नहीं हो तो मैं बता दूं, ये धर्मशास्त्र है। पाखंड कैसे हुआ? जिस मिट्टी से सारी मानवता का सृजन हुआ उसी से इसका भी हुआ। मानव और मानव में भेद कर आप सृजनकर्ता पर कीचड़ उछाल रहे हैं। यदि हम आकाश में कीचड़ उछालेंगे तो आकाश तो ऊंचा ही रहेगा परंतु कीचड़ वापस हमारे ऊपर ही गिरेगा। आकाश ने तो भेद नहीं किया, वो हम सभी को एक पिता समान ढके हुए है। ये धरती
धान उपजती है। इसने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया। ये हवा हम सभी के लिए समान बहती है। पानी हर प्यासे की तृष्णा को बुझाता है। जब प्रकृति भेदभाव नहीं करती तो हम मनुष्य में भेदभाव क्यों करते हैं? यदि ऐसा है तो इसे संघ में भिक्षु क्यों नहीं बनाते? बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। सुनीत, क्या तुम भिक्षु बनना चाहोगे? मैं अछूत, आप जैसे महात्मा का भिक्षु मैं इस योग्य नहीं हूं। जो मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को देख व्यथित हो जाए उससे उत्तम कोई दूसरा नहीं। मैं बुद्ध स्वागत करता हूं सुनीत का हमारे भिक्षु संघ में। सारा जीवन किसी ने दया के दो शब्द ना कहे मुझसे और आज इतनी करुणा बरसी है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं भी मनुष्य हूं, पर जो मैं कर रहा हूं यह अधर्म तो नहीं? जो अधर्म आज तक हुआ वो अब नहीं होगा। हर मनुष्य में चेतना का द्वार है, बस उसे ही अपनी संभावना को पाना है, अपनी गरिमा पे पुनः लौटना है। मेरा मार्ग प्रेम का है, वहां सबका सत्कार है। गंगा, यमुना, ऐरावती, सरयू, माही, ये सब नदियां हैं और ये सब अंत में वह सागर में मिल जाती हैं। वहां उनका ना भेद होता है ना ही नाम। उसी प्रकार जिस भी मनुष्य ने अपना गृह त्याग कर सत्य के पथ पर चलने का निश्चय किया, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र ही क्यों ना हो, उसी महासागर में विलीन हो जाते हैं। हर मनुष्य के अश्रुओं में नमक होता है, उसके लहू का रंग लाल होता है। ये भेद मनुष्य ने मनुष्य को उत्प्रेरित करने के लिए बनाए। आज मैं इन भेदों को काटता हूं। आज सुनीत को दीक्षा देना क्रांतिकारी होगा। हम पर बहुत से संकट आएंगे, हमें और तिरस्कृत किया जाएगा, पर सत्य आने वाली आंधी के सामने अड़िग रहेगा। क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? नई नगरी बनवाई, रोगियों से दुखियों से तुम्हें दूर रखा, घृणिकाओं के बहुपाश में तुम्हें बांधने का प्रयास किया जिससे तुम वैराग्य से दूर रहो। यशोधरा से विवाह करवाया, उससे पुत्र हुआ, परंतु मैं तुम्हें पा न सका। तुम बुद्ध महाराज, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे? आपको वैद्यराज ने विश्राम करने के लिए कहा था। देख नहीं रही हो, मैं सिद्धार्थ से बात कर रहा हूं। महाराज, ये केवल मिट्टी की एक मूरत है, सिद्धार्थ ने। हम भी तो इसी मिट्टी की मूरत है।
एक दिन इसी मिट्टी में मिलना है। दे दीजिए महाराज की दशा अत्यंत तो गंभीर है। मेरे विचार से आपको बुद्ध और सारे युवराजों को शीघ्र बुला लेना चाहिए। अमितोदय, चन्ना का जाना उचित होगा। तुम जाके चन्ना से कहो कि जितनी शीघ्र हो सके बुद्ध और युवराजों को लेकर आए। अवश्य प्रजा, क्या मृत्यु से पहले अंतिम बार में सिद्धार्थ को नहीं देख पाऊंगा? ऐसे अपशकुन बातें मत कीजिए। आपको कुछ नहीं होगा पिताजी, हैदराज अभी अभी निरीक्षण करके गए हैं। छोटा आश्वासन ना दो पुत्री, मेरे जाने का समय आ गया है। ऐसे मन छोटा मत कीजिए। मेरे पास समय बहुत कम है। सिद्धार्थ को देखने के लिए मेरे प्राण छिटपुटा है। क्या मैं राहुल और नंद को देखने से वंचित रह जाऊंगा? भाई महाराज, चन्ना बुद्ध को लेने निकल चुका है, सारे राजकुमार भी एक साथ ही आएंगे। सांस तब तक चलेगी अनुज? भाई महाराज, मनोबल ना हारिए, आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। मेरा काल आ गया है अनुज। नहीं दे, मैं सिद्धार्थ को नहीं देख पाऊंगा। नहीं दे, सिद्धार्थ आ जाएगा। चन्ना, तुम आपको और सभी युवराजों को शीघ्र अतिशीघ्र कपिलवस्तु प्रस्थान करना हो। हुआ क्या है चन्ना? महाराज शुद्धोधन अंतिम सांसें ले रहे हैं। आप सभी के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। इस समय कहां जा रहे हो? रंग भवन। मूर्ख, वहां महाराज मृत्यु शैया पे है और तुझे अपना विलास सोच रहा है। देवदत्त, तुम्हारा यहां रहना आवश्यक है। चन्ना को गए 5 दिवस हो गए। बुद्ध और बाकी सारे युवराज किसी भी समय यहां आ जाएंगे और ऐसी परिस्थिति में तुम्हारी अनुपस्थिति ठीक नहीं होगी। महाराज किसी भी समय अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। हाँ पुत्र, मेरा ही नाम घोषित किया जाएगा। मंगला, तुम ही इसे समझाओ। इसमें समझाना क्या है पिताजी, मैं ही राजा बनने के योग्य हूं, क्योंकि बाकी जितने भी प्रतिद्वंदी थे मेरे वो तो देव, कुछ तो लोक लाज की शर्म करो। ना तो मुझे किसी का भय और ना कोई मेरे रास्ते की अड़चन बन सकता है। रुको देव, समझने की कोशिश करो माँ। अपनी मदिरा और अपनी गणिकाओं के बिना जी नहीं लगता मेरा। Thank you.
देखिए तो कौन आया। तुम्हें देखने के इच्छा में मैंने सांसें संभाल के रखी थी। पिताश्री धीरे धीरे सांसें लीजिए। इस समय आपकी सांसें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मैं राहुल नंद आनंद महानाम हम सब आपके साथ सांसें लेंगे। जीवन की क्षण भंगुरता में मैंने अनुभव किया है, जीवन की तृष्णाओं में स्वयं को उलझा दिया। तो आनंद कभी प्राप्त नहीं होता। सादा जीवन यदि व्यतीत करो तो आनंद प्राप्त होता है। तुम्हारे कपिल वस्तु से जाने के बाद महाराज ने सादा जीवन ही व्यतीत किया, तुम्हारे दिखाए हुए मार्ग पर ही चले। पिताश्री आप मुझे देखिए, राहुल को देखिए, नंद को देखिए, बाहर लहलहाते पेड़ों को देखिए, उनपे हरे पत्तों को देखिए। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जीवन कभी समाप्त नहीं होता, वो निरंतर चलता रहता है। वैसे ही आप मुझ में जीवित रहेंगे, राहुल में जीवित रहेंगे, नंद में जीवित रहेंगे, यहां जितने भी आपके प्रियजन हैं उन सभी में आपकी जीवन ऊर्जा विद्यमान। देखिए राहुल आपके शरीर का ही अंश है। तुमने मेरे हृदय में जो मृत्यु का भय था वो निकाल दिया। बस एक ही बोझ है मन पर कि कपिल वस्तु का उत्तराधिकार किसे दिया जाए। शाक्यों को उनका महाराज न दे सका। तो आप नंद को महाराजा घोषित कर दीजिए। पिताजी नंद राजा बनना नहीं चाहता और उसमें राजा बनने की योग्यता भी नहीं। तो क्या आप राहुल को राजा घोषित कर दिया जाए? वो अभी बहुत छोटा है। भाई महाराज तब तो एक ही विकल्प बचता है, देवदत्त। यदि आप चाहें तो हाँ, देवदत्त, अनुज, देवदत्त का बस आता ही होगा। वो कौशल सीमा पर निरीक्षण करने के हैं। प्रेम मदिरा रासलीला राम भवन में सब चल रहे। हाँ महाराज, बुध के बाद एक देवी तो है जिसे अपने पूरी प्रजा का ख्याल है। संभालिए अपना। ठीक है गुरुवर्य, वाचस्पति, वाचस्प।
पति। ओ वैद्यराज महाराज, आपका नाम वाचस्पति किसने रखा? प्रेम मदिरा रास लीला रंग भवन में जब पले, प्रेम मदिरा रास लीला। महाराज क्या हो गया महाराज? युवराज बुद्ध, युवराज बुद्ध की जय! युवराज बुद्ध की। आप सर्वज्ञानी, कृपया आप ही बताएं, क्या शाक्य कुल का भविष्य देवदत्त के हाथ में सुरक्षित है? स्वयं को नहीं संभाल सकता, राज्य की प्रजा का भार क्या? महाराज आप विश्रम। जिसे समय स्थान और अवसर का ज्ञान ना हो, उसके हाथों में लाखों लोगों का भविष्य सोपना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। कपिल वस्तु का उत्तराधिकारी युक्त किए बिना ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। नहीं पिताश्री, एक व्यक्ति है जो निष्ठावान कर्मार्थ, और मैंने स्वयं उसे परखा है। तुम जिसे श्रेष्ठ समझो, मेरा उसे समझता होगा। लीजिए महाराज, और पहना दीजिए अपने उत्तराधिकारी को। किसे? महानाम। महानाम यहां आओ। जेस, क्या मैं इसी योग्य हूं? लीजिए महाराज। मैं आपको वचन देता हूं पिताश्री, मैं तब तक कपिल वस्तु से नहीं जाऊंगा जब तक महानाम पूर्ण राजपाट संभाल नहीं लेता। मैं तुम्हारा आभारी हूं। जीवन और मरण
हर मनुष्य के जीवन का क्रम है। यदि हम चेतना में हो इस विधान को देखें तो हर दिवस हम स्वयं को वासनाओं से मुक्त कर सकते हैं, ऐसा जीवन जी सकते हैं जहां शांति, आनंद और संतोष का सर्वदा वास हो। यही हर धर्म का सार है, यही हर जीवन की सच्चाई है। ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, ना सृजन होता है ना प्रलय आती है, ना कुछ घटता है ना ही कुछ बढ़ता है, चारों ओर केवल शांति शांति शांति। मैंने पूरा जीवन महाराज शुद्धोदन और सिद्धार्थ के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, न जाने कितने पापों का भागीदार बना। जानता है किस लिए? जानता है तुझे राजा बनाने के लिए, और विधि ने हमारे साथ ऐसा उपहास किया। महाराज शुद्धोदन और सिद्धार्थ स्वयं तुझे राजा बनाने को तैयार थे और तू अपने पैरों पे खड़ा ना हो सका। लोग तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं पर इसने इसने तो कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया। कितना रोका कि मर जा पुत्र मर जा, अरे अवसर तो देख, पर नहीं, इसे तो रंग भवन जाने की आग लगी हुई थी। सिद्धार्थ राजा ना बन सके इसलिए सिद्धार्थ को मदिरा में डुबाने का प्रयत्न किया, गणिकाओं के रूप रंग में खो जाए इसलिए रंग भवन भेजा, परंतु वो तो रंग भवन से भी अछूता लौट आया। हमारे भाग्य की विडंबना देखो मंगला, हमारा पुत्र स्वयं गणिका और मदिरा में फंस गया। केवल राज सिंहासन ही नहीं, मान सम्मान सब खो दिया इसने। बस बहुत सुना लिया आपने, शोक मनाना है तो जाइए महादेवी प्रजापति के पास। तो क्या हुआ यदि बुद्ध ने मुझे सिंहासन नहीं दिया तो? जहाँ शत्रु की तरह देव तत्व भी सिंहासन छीन लेगा। माँ आशीर्वाद दे मुझे, मैं अपना प्रतिशोध लेने जा रहा हूं। अब किससे प्रतिशोध लेने जा रहे हो तुम? उस ताम्रपाली से जिसने आपका संसार उद्धस्त कर दिया। मैं उसके वैशाली नगर को जलाकर भस्म कर दूंगा। तुम प्रतिशोध में अंधे हो चुके हो, वैशाली को जलाकर क्या लाभ होगा किंतु असंख्य मनुष्यों को हानि अवश्य होगी। युद्ध से हमेशा विनाश ही होता है। अपनी आंखों से अहंकार का पर्दा हटाओ अजात शत्रु। बुद्ध कहते हैं अल्प ज्ञान ही विवेकहीनता है। अब आप मुझे बुद्ध का उपदेश न दें तो राजनीति की बात सुनो। मगध की प्रजा ये युद्ध नहीं चाहती है, तुम उन पर ये युद्ध थोप रहे हो। जब तुम विजयी होकर वापस आओगे तो ना तो कोई तुम्हारा स्वागत करेगा और ना ही कोई तुम्हारी जय जयकार अवश्य करेंगे। हाँ, अवश्य करेंगे। विधवा स्त्रियों का विलाप, अनाथ बच्चों का रोना और बूढ़े माँ बाप का कलाप, यही तुम्हारी जय जयकार करेंगे। माँ तुम्हारे ये कटु शब्द मुझे कुछ करने पे विवश ना कर। मैं सत्य कहने से नहीं डरती। अगर तुम इस धरती के सम्राट भी बन जाओ ना
तो मेरे लिए वही अजात शत्रु रहोगे जिसके हाथ अपने पिता के रक्त से रंगे हुए हैं। मैं आशीर्वाद मांगने आया था। श्राप ना दू, ये वचन दिया था मैंने तुम्हारे पिता को। आशीर्वाद देने के लिए मेरे हाथ नहीं उठते। वाह, क्या भाग्य पाया है मैंने। जिस माँ के स्वाभिमान के लिए मैं अपनी जान पर खेलने जा रहा हूँ, उस माँ के मुख से आशीर्वाद तो दूर, मेरे लिए अपशब्द निकल रहे हैं। ठीक है माँ, कई बार बताया है ना तूने कि तेरी कोख में मुझे मारने के कितने प्रयत्न किए गए। एक नवजात शिशु से उसकी माँ का दूध छीन विष देने का प्रयत्न किया। वो कहते हैं ना, जैसी माँ वैसा उसका पुत्र। देवी आम्रपाली, देवी आम्रपाली, वही हुआ जिसका भय था। आप कौन सा अशुभ समाचार लेके आए हो यदु? उस दुष्ट अजात शत्रु ने वैशाली को चारों ओर से घेर लिया है। वैशाली की सेनाओं ने भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं। युद्ध किसी भी क्षण आरंभ हो सकता है। ये और मेरे सारे आभूषण ले जाओ और वैशाली के राजकोष में समर्पित कर दो, और मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी, पर इस युद्ध में अपनी वैशाली को पराजित नहीं होने दूंगी मैं। महाराज बिंबिसार के शासन में ऐसा अनर्थ कभी ना होता। वो बुद्ध के दिखाए मार्ग पे चले और वो अहंकारी अजात शत्रु प्रतिशोध के मार्ग पे चल रहा है, पर पराजय अजात शत्रु की ही होगी और इस अधर्म के युद्ध में वैशाली की विजय होगी। मित्र, मित्र देवदत्त, मैं जानता था तुम मेरी सहायता के लिए अवश्य आओगे, किंतु मैं तो किसी और कारण से आया हूं। मित्र कहो। मित्र, शाक्यों के महाराज शुद्धोधन की मृत्यु हो चुकी है और उन्होंने महानाम को शाक्यों का महाराजा घोषित करके उसका राज्याभिषेक भी कर दिया है। महानाम के राज्याभिषेक के पीछे सिद्धार्थ का हाथ है। तो मित्र, इससे पहले कि महानाम शाक्यों की बागडोर अपने हाथ में अच्छी तरह से ले ले, कपिलवस्तु पे आक्रमण करना है। सिद्धार्थ और महानाम को मारकर मैं स्वयं सिंहासन पे आरूढ़ होना चाहता हूं। मित्र, शाक्यों का महाराज बनने के लिए मेरे लिए स्वर्णिम अवसर है। मित्र, मुझे वैशाली से प्रतिशोध लेना, इस समय मेरा कपिलवस्तु पे आक्रमण करना संभव नहीं, और मैं महानाम को क्यों मारूं? मेरे लिए मित्र बुद्ध का वध कर। क्यों? उनसे तो मेरी कोई शत्रुता नहीं। मित्र, जब तुम्हें मगध का तख्त पलट करना था तो मेरे विश्वसनीय सैनिकों ने वेश बदलकर तुम्हारी सहायता की थी। आज मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। वचन दिया था तुमने मुझे मित्र, मित्र तुमने मुझे वचन दिया था कि समय आने पर तुम मेरी सहायता करोगे, और आज
युद्ध में केवल तेज धार तलवार ही काम आती है, बिना धार की तलवार का क्या काम। वैसे ही मैत्री भी अपने स्वार्थ के लिए की जाती है। जब मेरा स्वार्थ था, मैंने मैत्री की। और एक क्षत्रिय का वचन, योद्धा केवल क्षत्रिय नहीं होते, राजनीतिज्ञ भी होते हैं। और राजनीति में वचन केवल इसलिए दिए जाते हैं ताकि तोड़े जा सके। दूर से आए हो, थक गए हो के मित्र, थोड़ा विश्राम कर लो। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। जीवन मरण हर मनुष्य के जीवन का क्रम है। यदि हम चैतन्य हो इस पूरे विधान को समझें तो हर दिवस ऐसा जीवन जी सकते हैं जहां शांति, सद्बुद्धि, आनंद, संतोष का सर्वदा वास।